साइज देखो दोस्तों, लाजवाब साइज है बिल्कुल। दोस्तों आज फिर से अपना जो नया स्पॉट बनाया था, तो पहले दिन तो हुआ साइज थोड़े छोटे लगे, और निकलने का टाइम पे एकदम 8-10 किलो वाला, उसके ऊपर ही होगा अंदाजा नहीं कुछ, लेकिन खींचा था और दिखा था अपने को वो हिसाब से, क्योंकि पिछला 8 किलो का लगा था, उससे भी ज़्यादा ताकत लगा रहा था। तो आज हम वो तो पीटी पायनियर से खेले थे और योलो का था रील, और आज मैं जुपिटर सुपीरियर से खेलने वाला हूँ और अपना डाइवा का RX LT 5000। तो ये ताकि हल्का है, पानी के ऊपर ऐसा पकड़ के भी रख सकता हूँ, क्योंकि बहुत वेट था वो। हालांकि वो पीस निकालने के लिए जितना लंबा रहेगा, जो घास वाली जगह है जितना लंबा रॉड रहेगा, तो अपन उसको ऊपर उतना खींच सकते, यानी घासों में जो घुस जाते हैं आसानी से, उससे बेनिफिट मिलता है लंबे रॉड से। ऐसे जगह पर लंबे रॉड से खेलो अच्छा रहेगा। तो ये एक्चुअली वीडियो में पीला पीला दिखता बेहतरीन, और फ्लेक्सिबल भी अच्छा है, और राउंड भी ज़्यादा हो जाता, तो वो हिसाब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, खास रीज़न नहीं यूज़ करने का इसको। तो अपना यही जगह है जहाँ पे अपन ने नया जगह बनाया, पुराना जगह जैसे कि वहाँ पे आके सवेरे से अभी भी बैठ गए, 3-4 बैठ गए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ लग रहे भी लोगों को, और थोड़ा हम पानी में घुस के इसलिए बनाए कि यहाँ थोड़ा सुरक्षित रहे कुछ दिन के लिए। तो चलो यहाँ पे आज हम ट्राई करेंगे, और चारा बाइट वगैरह सब सेम है पिछले वीडियो वाला, हर चीज़ चराई वगैरह सब। अपना मास्टर भी साथ में आज, मास्टर अपना राजू मास्टर साथ में है, और सेम खेला होने वाला है आज। सिर्फ अपना टारगेट है आज बड़ा पकड़ने का, तो उम्मीद करता हूँ कि बड़ा मिल जाए, अच्छी अच्छी साइज मिले मछलियाँ, और मिलती है, और देखते हैं अब आज फिर। तो चलो तो ये है काजू बाइट, लहसुन भी बोल सकते हैं, लहसुन बाइट। देखो लटका हुआ, अच्छा लगता लो आज स्पीड एक्टिव मार लगे, पनिया पकड़ दो उठा मारना धीरे 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 पोजिशन लाग लो के बस लानो कैसे फेंके पहले गोली बिगा चले क्या सकते हाँ अभी चलाए रखो या तो पहले मारना था बस स्टॉप कर दिया। बिस्मिल्लाह देखना आप, आपके हाथ में गल लगे नहीं लगा था। चलो बिस्मिल्लाह, 1 किलो का है दोस्त, एक पीस।
है क्या मेरे? कैसे लो इसे घुमा, जाली में ले रहे ला दो तो अरे 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 अब ये घास नीचे बहुत है, ये जो कांटे हैं इसमें बहुत सारे कांटे हैं। कल जो मच्छी लगी थी तो धागे से ये बहुत आसानी से कटता है, ये तो धागे से पूरा कच 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 कर कट गया था। अभी भी उठ रहे वहाँ पे घास, ये वाला बहुत बैठ गया है, तो इसमें जाके जब्बू बैठ जा रहे। मच्छी हालांकि बहुत है यहाँ पर, लेकिन उसको जब्बू उठाना नहीं हो रहा है, अपना बाइट है ना उठाना नहीं हो रहा है। तो अभी अपने को उतर के ये पूरा साफ़ करना पड़ेगा, हालांकि बहुत गहरा है वहाँ पे, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, करेंगे। दो पीस लगे अभी और मच्छी की चाल बहुत है, बुलबुले भी बहुत आ रहे, तो करते हैं ज़रा मेहनत। ये देखो तो ये कांटे वाली झाड़ को पूरा हटाना है वहाँ से, जब करके फिर अपना स्पॉट बेहतरीन बन जाएगा। तो दोस्तों हम जा रहे हैं पानी के अंदर, इतना पानी आ रहा, कैसे भी ये करना पड़ेगा है ना। तो मेरा हाथ में दो, मैं उधर आया फेंकूंगा कैसे। ये लो मास्टर, ऊपर पर धक्के लो, डूब जाए नहीं डूबेगा। क्लीन हो रहा है, है? घास निकाल रहे ना। अरे लकड़ी चला ला लो के, तुम ला लेंगे आता देते ना। घास घास सिर्फ निकाल लेना मास्टर घास निकाल लेना, जगह क्लीन हो जाता।
चालू माशाल्लाह लो लो साइज अच्छे है ना बेहतरीन बेहतरीन उठाओ 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 वसीम भाई क्या बात है भाई मुबारक हो मुबारक अरे लाओ ला बेहतरीन है क्या बात है ओ जलवाई कर रही है तुम क्या झब्बू खींचा था क्या और जुम्मा को गए थे और बस अभी वसीम भाई जुम्मा जुम्मा के वक्त पहुंचे और मैं भी अभी पहुंचा यहाँ पे तो यहाँ खेलना है क्योंकि वो जगह पे अभी बना के और चराई वगैरह किया हूँ तो अरे बस बस पानी में मत जाना भाई तो मतलब चलो इधर खेलते हैं देखते क्या होता है यहाँ पे भी अच्छी चाल है वसीम भाई ने अच्छा खासा मारे यहाँ पे तो बहुत ही जल्दी इनको ना ये देखो साइज देखो माशाल्लाह माँ की साइज देखो दोस्तों लाजवाब साइज है बिल्कुल एकदम आते फटाफट बराबर लग गए बेहतरीन बेहतरीन साइज वसीम भाई तो मैं काफ़ी थोड़ा लेट हो गया मैं आने में और देखते हैं क्या होता है अपने को अपन भी यहीं लगाएंगे देखते जगह मिलती कि नहीं बहुत ही चाल है बहुत है तोबा तोबा क्या साइज था यार पहला गल चेक करो पहले तुम्हारे वाले क्या हो रहा है गल कुछ नहीं हुआ मेरे को पता है इतने में कुछ नहीं होने वाला ये गल तो मैं यही गल मांगा इतने में कुछ नहीं होने वाला ये गल तुम इसके इसमें पत्थर भी चला दो ना फिर भी धार नहीं मुड़ते इतना बेहतरीन गल है जब करके तो मास्टर के पीछे पड़ा हूँ ना आया नहीं नहीं सलाम जो मार हुआ बैठा लियो लाइक मार लो बिहान से कल यहाँ बैठो ये साला डाल लियो लाइक के लाइक ना ना खेल के ना ना बाइक चल ना
तो कहाँ जा रही बाजू में लगे की दिक्कत है ना लगा नहीं है ढीला पड़ गया ढीला पड़ गया खींचा अच्छा बाकी झब्बू खींच ला ये किलो का साइज खींचने वाला साइज यही वाले खींचते क्या मस्त खींचा रहेगा तुमने करो कर छोड़ा मास्टर ये लेकर आया था ना ज्यादा ज्यादा ये तो देखो कितना बड़ा बैठा ये तो छोड़ के तुम कल भी आके निकालते तो कहीं नहीं जाता तो हड्डी खाया था ना बाबरे बाप दिल से खाया दिल से खाया था भकर भकर तो जैसे आपने देखे कि हमने वो स्पॉट जो पानी में डूब डूब के बनाया पूरा चीला वाला साफ किया तो वो जगह को अपने को छोड़ना पड़ेगा कम से कम 5-6 दिन तक उसको चराई भी करना पड़ेगा वहाँ तो इसलिए हम इस जगह पे टाइम पास कर रहे थे और यहाँ भी लग गया ऐसा कुछ नहीं लगा देर देर ही सही लेकिन लगा तो यहाँ के लिए बस करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों और साथ ही चैनल पे जो नए सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद रहेगी वही स्पॉट पे मिलेंगे अल्लाह हाफिज़।